हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 SST। स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल, इन SST वी आर डिस्क्राइबिंग चैप्टर नंबर 4, एंजियोग्राफी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। एज यू नो वेरी वेल, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड द डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स। एक्सरसाइज इज हेयर and your very short answer are here, and today we will discuss about short answer. तो short answer में आपका first question है, इसमें suggest 3 ways to conserve vegetation. vegetation को conserve करने के लिए हमको कोई 3 उपाय बताने हैं. So as you know very well, establishing nature sanctuaries स्थापित करना, जो हमारी नेचुरल सेंचुरीज हैं उनको स्थापित करना, ये भी एक उपाय है. एंड प्लांटिंग द ट्रीज रेयरली फॉर्म इन द पर्टिकुलर एरिया, स्टॉपिंग पेड़ों को लगाना, और ख़ास करके उन पेड़ों को लगाना जहाँ पर पेड़ों की कमी है, पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर कमी है. स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई है उनको रोकना. एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, और लोगों के अंदर नेचुरल वेजिटेशन की कंजर्वेशन के लिए जागरूकता फैलाना. दीज आर द वेज टू कंजर्व वेजिटेशन. यही वेजिटेशन के कंजर्व करने के उपाय हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिसीडियस फॉरेस्ट एंड द एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में ऑलरेडी आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर हम कुछ डिस्कशन करेंगे. डिसीडियस फॉरेस्ट सेट दियर लीव्स इन द ड्राई सीजन. ड्राई सीजन में ये क्या करते हैं, डिसीडियस फॉरेस्ट अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं टू कंजर्व लेस ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि उस समय मॉइस्चर कम हो जाता है, उसको पूरा करने के लिए ये ऐसा करते हैं. थ्रो इवेपोरेट. दीज फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल जोन, और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं, विद ट्रीज लाइक टीक, साल, शीशम एंड पीपल. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिसीडियस फॉरेस्ट. अब आते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट पर. एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेरी डेंस, द ट्रीज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज. अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पाए जाते हैं ऐसे फॉरेस्ट में, और ये जो फॉरेस्ट होते हैं बहुत ही घने होते हैं. दीज आर फाउंड इन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. मेन ट्रीज आर महोगनी, एबोनी एंड रोजवुड. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेन ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन 2 नेचुरल फैक्टर्स दैट कॉजेज डिप्लेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन की डिप्लेशन में 2 नेचुरल फैक्टर्स बताने हैं. तो फॉरेस्ट फायर एंड वोल्केनिक इरप्शन. फॉरेस्ट फायर जिसको जंगल की आग कहते हैं, वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी का फटना, एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर मास डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर. डिफरेंटिएट बिटवीन द कॉर्निफेरस वेजिटेशन एंड द डेजर्ट वेजिटेशन. सो आंसर है इसे, कॉर्निफेरस वेजिटेशन मोस्टली फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. द वेजिटेशन जोन इज नॉन एज टैगा. जो हमारा कॉर्निफेरस वेजिटेशन होता है ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, और जो वेजिटेशन जोन इज नॉन, और ये जहाँ पर वेजिटेशन पाई जाती है उस जोन को हम टैगा या बैरियल के नाम से जानते हैं. जो इसके मेन ट्रीज हैं वो सीडार, स्प्रेज, स्प्रूश, फिर एंड लार्ज.
डेजर्ट वेजिटेशन आर फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स. मोस्टली वेजिटेशन लाइक सर्व्स एंड थॉर्नी बुशेस आर फाउंड हेयर. सो इन दिस वे योर शॉर्ट आंसर ऑफ द चैप्टर नंबर 4 इज कम्प्लीटेड. नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट लॉन्ग आंसर.